मेरी आवाज नहीं आ रही एम आई ऑडिबल सर आवाज नहीं आ रही है एम आई ऑडिबल राइट नाउ यदि अब मेरी आवाज आ रही है तो फिर बताइए हम स्टार्ट करेंगे क्षमा प्रार्थी कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाता है सर आवाज नहीं आ रही है अभी आ रही है ओके थैंक यू सो मच तो सभी को मेरा नमस्कार अद्वैत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट का सेकंड टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे बायोम डिफरेंट टाइप्स के आप बायोम रहेगा रिप पढ़ेंगे देखेंगे रामसर कन्वेंशन क्या है क्या इसका सिग्निफिकेंस है भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं वो सारा चीज हम कवर करेंगे आज के क्लास के अंतर्गत तो चलिए मेरे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं यार फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करते चलिए है ना इशिता है अलका है श्रेया शाश्वत सोनी वेरी गुड इवनिंग सभी को गुड आफ्टरनून सॉरी चलिए तो फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करते चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे आज के सेशन की स्टार्ट करेंगे शुरुआत करेंगे ठीक है मेरे दोस्तों तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं उसके पहले दो चार चीज़ें हम बता दें अगर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी बैंकिंग रेलवे या फिर स्टेट पी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल अवेलेबल है एस जेई है एस एस सी ए जे का चैनल है है ना और एस एस सी अदर्स का भी चैनल है अद्वैत एजुकेशन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है टेलीग्राम चैनल है फेसबुक चैनल है सारी जगहों पर जुड़ सकते हो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स भी है गुरुपाल चावला सर हैं है ना अदरणी देव सर हैं अंशु वर्मा सर है सिद्धार्थ सर है दीपाली मैम कोमल मैम जागृति मैम सभी के सभी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं मस्त मस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेरे बारे में है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर रहता हूँ जियोग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर और अभी एनवायरमेंट, जो कि एक पार्ट है जियोग्राफी का ठीक है चलिए और लास्ट में इंफॉर्मेशन है आप SSJ या फिर किसी भी स्टेट के ए जे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं www.gateacademy.co.in पे विजिट करिए या फिर गे, गेट अकेडमी का जो लाइव ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए चलिए दीपक कुमार वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग बोले कि गुड आफ्टरनून बोले जो भी बोले चलिए समझ लीजिए नमस्कार है सभी को सेशन को यार लाइक और शेयर जरूर करिए थोड़ी सी कंजूसी बढ़ती जा रही है आप लोगों के द्वारा है ना तो हम चाहते हैं कि जल्दी से इसको लाइक और शेयर किया जाए क्लियर तो फटाफट -फड़ तरीके से मस्त तरीके से आप लोग कर दीजिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन ठीक है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण सेशन को रिशेड्यूल करना पड़ा जो कि शाम का जो टाइमिंग है वो नहीं होगा है ना शाम का आज नहीं होगा बाकी दिन होगा क्लियर और बाकी जो सेशन जैसा रहता है वैसा ही होगा दीक्षा भी मेरे साथ जुड़ चुकी है वेरी गुड आफ्टरनून तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से फटाफट फड़ तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको तुरंत शेयर करते चलिए भाई तो हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम आज पूरा का पूरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है है बायोम्स के बारे में तो मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल या नहीं है एक बार बता देंगे वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस आप मेरे साथ बनते चलिए इसके बाद वन बाय वन मैं सारा चीज को करा दूंगा ओके कोई दिक्कत नहीं है माधवी भी, भी आ चुके हैं वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नो सर ओके विजिबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं बस आप मेरे साथ बने रहिए है, है ना ये क्योंकि पहला स्लाइड बस है ये पहला स्लाइड बस है उसके बाद बाकियों में कोई इश्यू नहीं आएगी बस आप मेरी आवाज सुनिए मेरी बातें सुनिए कोई दिक्कत नहीं है क्लियर अपन मस्त तरीके से आराम से करेंगे इसको कोई इश्यू नहीं है मेरे दोस्तों है ना सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम की ये मैंने कल बता दिया था पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है ठीक है कल वाली क्लासेस जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें दो टाइप से रहेंगे एक होगा नेचुरल होगा और एक हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इसमें भी हमने दो डिवीजन किया है इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र को हमने दो भाग में डिवाइड किया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिर नेचुरल को हम कर रहे हैं एक्वेटिक यानी जलीय परितंत्र क्या बोलेंगे इसको हम लोग जलीय परितंत्र ठीक है जल वाला जो परितंत्र होता है जिसमें जल रहता है है ना वाटर बॉडी उसको बोलेंगे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यानी जो आपका लैंड वाला पार्ट रहता है भूमि वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल अब इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्रास लैंड यानी जो घास भूमिया हैं बड़ी बड़ी घास भूमिया हैं सवाना है पंपास है डाउन है 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 ना प्रेरीज स्टेपीज वो सारा चीज पढ़ेंगे फिर हम देखने वाले हैं डिजर्ट यानी आपके रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान हो गया सहारा मरुस्थल है थार मरुस्थल है किली मंजार है वो सारा चीज देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट यानी वन भूमिया इसमें बहुत टाइप के फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों है ना ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधी है ना और बहुत सारी शंकु वन टैगा वन एंड ऑल वो सारा चीज कवर करेंगे इसके अंतर्गत देन हम एक्वेटिक पे जब जाएंगे तो दो टाइप के सिस्टम रहेंगे फ्रेश वाटर रहेगा और एक रहेगा आपका मेरेन वाटर है ना फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं जैसे कि नदियां हैं झीले हैं जो कि वाटर बॉडी जो है वो लैंड पार्ट के अंतर्गत है उसको हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर के अंतर्गत जहां पर दो देखेंगे लोटिक और पढ़ेंगे हम लोग लैंटिक क्लियर ये लोटिक और लैंटिक मैंने ऑलरेडी बताया था लेकिन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले स्लाइड में बस इतना समझ लीजिए लोटिक किसको बोलते हैं जो पानी फ्लो करते रहता है उसको लोटिक बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर और ऐसा आपका पार्ट जो कि स्थिर है यानी वाटर जहां पर बह नहीं रहा है स्थिर है जैसे कि हो गया झील यानी लेक्स पॉंड, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिक ठीक है क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली उठा देता है कई बार क्लियर फिर हम इसी में पढ़ने वाले वेटलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमिया किसको बोला जाता है कौन सा रामसर कन्वेंशन से कौन सा रिलेटेड है मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या चीज है कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे वो सारा चीज देखने वाले हैं अपन इसके अंतर्गत देन जब आएंगे मरीन के तो इसमें देखेंगे ओपन ओशियंस यानी खुला समुद्र फिर आने वाले हैं कोस्टल एरिया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यहां पर तीन चीज पढ़ने वाले हैं जिसमें से रहेगा कोरल रेफ जो कि आप देख सकते हो थंबनेल में ऑलरेडी था सेकंड पढ़ने वाले हैं मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट वो क्या होता है मैं बताऊंगा और लास्ट हम देखने वाले हैं एश्यूरिस जब मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा था रिवर वर्ष मैंने पढ़ाया था तो कुछ बच्चों को एश्यूरी एंड डेल्टा में प्रॉब्लम हुआ था तो वो प्रॉब्लम आज एक बार फिर से आप देखेंगे तो शायद आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा नहीं होगा तो अपन तो बैठे ही हैं सो ये आपका ओवरऑल आज के बारे में था यानी ये, ये था ट्रेलर अब हम शुरुआत करते हैं मूवी की ओर तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक बार सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं पंद्रह से सोलह लोग आ चुके हैं लेकिन लाइक्स की कमी दिख रही है तो फटाफट तरीके से एक बार लाइक कर दो यार दोस्तों और एक बार शेयर कर दो शेयर क्योंकि देखो लाइक और शेयर के हम प्यासे रहते हैं बोल सकते हो यही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है तो फटाफट से लाइक और शेयर करिए उसका बस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं चलिए फटाफट से ठीक है तो आज का जो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत टेरेस्ट्रियल बोले तो जिसको हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था है ना टेरेस्ट्रियल यानी होता है ये आपका भूमि वाला पार्ट यानी लैंड वाला पार्ट इस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई है बता दिया था रेगिस्तान यानी डिजर्ट हो गया फॉरेस्ट यानी वन हो गया ग्रास लैंड यानी घास लैंड हो गया ठीक है और टुंड्रा टुंड्रा पढ़ेंगे जिसको सबसे ऊपर में बंजर जो भूमि पाए जाते हैं उसके बारे में क्लियर दोस्तों चलिए वेरी गुड इवनिंग जीवेश जायसवाल जी ओके सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में यानी वन के बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको वन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं जब भी लाइव क्लासेस रहती है एक रफ कॉपी लेके बैठ से चलिए क्योंकि देखो इसको तो आप बाद में भी देख सकते हो नो डाउट है ना और जब कंटिन्यू क्लासेस चलती है तो इंटरप्ट करते हुए नहीं बनता है ना कई बार क्या होता है क्लासेस में ये रहता है ना या फिर जब लाइव वीडियो नहीं रहता अपलोडेड वीडियो रहता तो हम उसको पॉज कर करके देख सकते हैं यहां पर यदि आप पॉज करोगे तो आप पीछे हो जाओगे आपको कंटिन्यू चलना रहता है इसीलिए कॉपी पेन पकड़ के बैठो जहां पर समझ नहीं आ रहा है

एंड हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लियर तो ये तीन टाइप के रहते हैं आपके ठीक है टेम्परेट रहता है 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 ना एक होता है आपका, होता आपका ट्रॉपिकल और एक होता है आपका डेसिडियस अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या रहने वाला है वो अगले स्लाइड में देखिए सबसे पहला जो वन रहने वाला है सबसे पहला है ना फॉरेस्ट वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग एवरग्रीन हिंदी में बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधी वर्षा वन या फिर सदाबहार वन अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है तो इसके बारे में समझिए मेरे दोस्तों ये ऐसा क्यों बोला जाता है इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो लोकेशन है यदि हम लोकेशन की बात करें है ना अर्थ हमने बना लिया यहां पर ठीक यहां पर हमने बना लिया इक्वेटर यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग जीरो डिग्री इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा क्लियर अब ये जो वन रहते हैं ये जो जंगल रहते हैं ये जनरली इन्हीं के आसपास ही पाए जाते हैं इन्हीं के आसपास ही पाए जाते हैं इसके लिए कंडीशन क्या रहती है मैंने बता दिया है ना 23 डिग्री एंड हाफ से नीचे यानी कर्क कर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे एंड 23 एंड हाफ मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न से ऊपर बोले तो शून्य अंश अक्षांश रेखा के आसपास यानी इक्वेटर के आसपास सेकंड चीज ये तो हो गया उसकी बात है ना दूसरा यहां पर बहुत अधिक क्या होना चाहिए बारिश होना चाहिए दोस्तों ऐसा नहीं कि इक्वेटर है तो कहीं भी उगाएगा बहुत अधिक बारिश होना चाहिए तब इन क्षेत्रों में पाया जाता है यदि मैं बात करूं विश्व के वो कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से स्थान हैं जहां पर इस टाइप के जो वन है वो पाए जाते हैं तो हम देख सकते हैं आपका वेस्टर्न इंडिया यानी जी किसकी बात कर रहा है ये पश्चिमी घाट की बात कर रहा है वेस्टर्न इंडिया में क्या पड़ता है आपका पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट वो आ जाता है, है ना अपन देख सकते हैं यहां पर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका यानी मध्य और दक्षिण अमेरिका क्लियर स्पेशली ब्राजील वाला जो रेंज है वो आ जाएगा आपका ठीक है वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका पश्चिमी और मध्य अफ्रीका क्लियर इसमें आ जाएंगे उसके अलावा हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया ठीक है और बहुत सारे जो आइसलैंड है जैसे न्यू गियाना है, है ना ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं अब ये तो हो गया एरिया की बात बट बेसिकली ये होता क्या चीज है ये होता क्या चीज है इसके बारे में हम, हम थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ठीक है ये जो वन रहते हैं इतने ज्यादा घने रहते हैं इतने ज्यादा डेंस रहते हैं है ना कि इनसे जो होने वाला ऑपरेशन है या बोल सकते वाष्पीकरण है तो वो ऐसा इन्वायरमेंट या फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि उसी के कारण वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और यहां पर पाए जाने वाले जो वन है जो जंगल है उनकी लंबाई बहुत ज्यादा रहती है बहुत ऊंची ऊंची रहते हैं वो पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचे रहते हैं और दूसरी चीज इनमें वर्ष भर पत्तियां हरी भरी रहती कि इनके, इनके हैं इनके जो पत्ते हैं वो कैसे रहते हैं वर्ष भर हरे भरे रहते हैं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है एवर ग्रीन बोला जाता है क्लियर और ये देख सकते हो ये आपका मानचित्र है यहां पर हमने बनाया हुआ है है ना ये आप देख सकते हैं ये आपका सॉरी मानचित्र है ये आपका मैपिंग है यहां पर क्लियर तो ये रखा है है ना इस टाइप से दिखता है क्या जो आपका एवरग्रीन या फिर बोल सकते हो में अंतर क्या चीज है इन दोनों में एक साधारण अंतर है रमनदीप वेरी गुड गुड आफ्टरनून प्रणाम है ना इन दोनों में एक साधारण अंतर है वो अंतर क्या चीज है समझना है ना जो रेंज आपको मिलता है जो रेंज पर मिलता है भाई मेरे जो रेंज आपको मिलता है है ना उष्ण कटिबंधी वाले क्षेत्रों में क्लियर वो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहां पे रहता है ये जीरो डिग्री हो गया इसके आसपास जब यहां से हम ऊपर जाएंगे है ना कहां से ऊपर जाएंगे भाई हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया यहां से जब हम ऊपर जाएंगे या फिर जब यहां से हम नीचे आएंगे तो यहां से नीचे में तो और कोई कॉन्टिनेंट है नहीं केवल ऑस्ट्रेलिया याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है मकर रेखा उसके नीचे जाओ तो आपको ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा सेम जब इधर जाएंगे तो मेरे ख्याल से दक्षिण अमेरिका के बाद और कुछ है नहीं आपको है ना यानी सारा का सारा जो है कॉन्टिनेंट है वो उधर मिलेगा इक्वेटर के या फिर ऊपर की ओर जब आप वर्ल्ड मैप आप देखने जाएंगे तो गोट इट तो मेरा बोलना यह है यहां पर जीरो डिग्री से ऊपर चले गए ट्वेंटी थ्री एंड हाफ अब इसके ऊपर जब जाएंगे और इस तरह के जो वन मिलेंगे है ना उन्हीं वनों को क्या कहा गया है सम या फिर टेमपरेट रेन फॉरेस्ट क्लियर बस मात्र अंतर केवल इतना है केवल इतना है कि ये जो पोजीशन है इनका जीरो डिग्री इक्वेटर से अलग होता है क्योंकि आप एग्जांपल देख लीजिए नॉर्थ अमेरिका यानी ऊपर कनाडा वाला रेंज हो गया है ना चिली जो आपका बिल्कुल नीचे पड़ेगा साउथ में ठीक है यूनाइटेड किंगडम मतलब ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड वाला रेंज हो रहा है क्योंकि देखो वो भी कर्क कर रेखा से ऊपर ही पड़ेगा आपका नॉर्वे जापान ये सारा भी देखना है ना ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से आपका ऊपर ही जाता है न्यूजीलैंड आ जाइए ये आ जाएगा आपका कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा से नीचे तो इस टाइप के जो रेंज रहते हैं सदन ऑस्ट्रेलिया बोल दिया मतलब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया क्लियर तो लोकेशन को याद रखना बहुत ही आसान है कुछ नहीं है ट्रॉपिकल बोल दिया मतलब वो उष्ण कटिबंधी वाला जो रेंज रहेगा शून्य डिग्री यानी इक्वेटर के आसपास रहेगा है ना और अगर बोल दिया उसने टेम्परेट यानी समशीतोष्ण तो वो मिलेगा आपको लगभग कर्क रेखा से या तो ऊपर या तो मकर रेखा से नीचे कुछ नहीं है पूरा का पूरा मैपिंग का ही खेल है ये ठीक है दोस्तों और बाकी अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो ये लगभग वैसा ही है जैसे कैसे था आपका है ना उष्णकटिबंधी जो वर्षा वन थे ये देख सकते हो ये आपका वो तस्वीर दिख रहा है ऐसा कुछ आपको दिखता है कौन सा उष्ण समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधी वर्षा वन अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण वन नाम से स्पष्ट है ऐसे वन या ऐसे जंगल जो कि पाए तो उसी रेंज में जाते हैं उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल वाले रेंज में लेकिन क्या होता है ये अपने पत्तियां झड़ा देती हैं ऐसा क्यों होता है इसको समझना बहुत ही आसान भाषा में है ना यहां पर बारिश वगैरह तो अच्छी खासी हो जाती है इन क्षेत्रों में है ना बारिश ठीक ठाक हो जाती है लेकिन यदि मैं आप बात करूं आपके क्षेत्र की बात करूं देखो अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो ये सारा चीज बहुत आराम से बहुत इतमीन तरीके से क्लियर होने वाला है क्यों थोड़ा सा समझिए मेरे साथ है ना मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था ये जीरो इक्वेटर है गर्मी दिन यहां पर दो बार पड़ता है क्लियर है दो बार पड़ता है इतना ह्यूमिड रहता है कि वहां रोज बारिश हो जाती है डेली बारिश बारह महीने बारिश हो, हो रही लेकिन मैं बात करूं भारत वर्ष की हमारे यहाँ की बारिश कैसे होती है मेरे दोस्तों देखो मौसम अचानक चेंज हो रहा है डजन है ना उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन बारिश कैसे होती है जनरली हम देखते हैं जुलाई से लेकर सेप्टेंबर या बोल सकते हैं अक्टूबर क्लियर अब अब अक्टूबर से जुलाई रिवर्स चलिए पहले जुलाई सितंबर अक्टूबर आ गया अब अक्टूबर से जुलाई चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लगभग लगभग सात से आठ महीनों का डिफरेंस है तो वो सात आठ महीनों के डिफरेंस है ना लिखा हुआ है सेवन महीने तक लगभग सात आठ महीनों तक कुछ खास बारिश नहीं होता इसीलिए ऑटम का सीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बसंत ऋतु याद रखना ये सारा चीज बहुत ही मस्त तरीके से जो हम देखते हैं केवल वही चीज पढ़ रहे हैं कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है यहाँ पर है ना तो जो बसंत ऋतु आता है ऑटम का सीजन आता है उसमें क्या होता है पत्तियां गिरा देते हैं वो अपने और नए पत्ते उगाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि उनको क्या करना रहता है अपने आप को अनुकूलन करना रहता है क्लियर इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पतझड़ वन या फिर बोला जाता है डेसिडियस क्लियर यदि मैं तस्वीर की बात करूं तो यह ऐसा कुछ दिखता है मेरे दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका तस्वीर दिखता है आप जाएंगे जिस रेंज में रहते हैं जैसे एमपी मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ उड़ीसा अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में भी तो इस टाइप की जंगल या इस टाइप की जो वन है वो आप पाएंगे उस टाइप के वन आप देख सकते हैं दूसरी में बात करूं पढ़ने आपका आपका का तो यह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऐसे जंगल या फिर ऐसे वन जो कि इक्वेटर से दूर हैं लेकिन किसके पास हैं किसके पास हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास हैं इतना आसान सा एक चीज समझना बहुत ही ये वर्ड होता है बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है जिन लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं दो चीज अपने दिमाग में बिठा लो भाई जब भी वो ट्रॉपिकल बोलेगा है ना ट्रॉपिकल जब भी बोलेगा या हिंदी मीडियम मेरे दोस्तों के लिए जब भी उष्ण कटिबंधी बोलेगा इसका मतलब वो बात कर रहा है ये जीरो डिग्री के आसपास पास वाले रेंज की यानी कर्क कर रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर यदि वो बात करता है इसकी है ना टेम्परेट की बात करता है यानी समशीतोष्ण की बात करता है मतलब ये बात कर रहा है कर्क -कर रेखा से ऊपर और ये मकर रेखा से नीचे दूसरा एक और चीज याद रखना मेरे दोस्तों मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की जब मैं नीचे आता हूं तो वहां पर मुझे बहुत कम देश मिलते हैं जैसे कि मिल गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इधर आ जाएंगे तो साउथ अमेरिका के कुछ चिली वगैरह जो छोटे छोटे देश हैं वो सब मिलेगा ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो 100 परसेंट तो नहीं बोलूंगा ऑलमोस्ट 85 टू परसेंट जो कंट्रीज हैं है ना वो इस रेंज में पड़ने वाली है दैट्स वाई अपन इसके बारे में बातें करते हैं ठीक है थीके? तो अगर आप जाएंगे अगर आप पाएंगे फ्रांस वाला कंट्रीज हो गया या फिर अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की है ना तो वहां की कई बार आपने मूवीज में देखा होगा मूवीज में आपने देखा होगा मेरे दोस्तों इस टाइप की तस्वीरें आपको नजर आती है, है ना कि ये बिल्कुल मस्त रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले टाइप के तो ये उन वनों की विशेषता है किनकी किनकी है ना समशीतोष्ण कटिबंधी समशीतोष्ण कटिबंधी पर्णपाती वनों की ठीक है तो ये उनकी प्रॉपर्टीज है बिल्कुल कैसे रहेगा जैसे आपके बाकी जो वन थे है ना इसके पहले जो पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही अब आते हैं डिफरेंट टाइप के ये होता है आपका मेडिटेरियन

यहाँ पे मैं आपको बना के बता दूं थोड़ा सा ये आपका ऐसा नीचे अफ्रीका है ठीक है मैप आप हमेशा साथ में रखिएगा भाई इधर आपका यूरोप है है ना इधर यहाँ पर आपका इधर है ब्लैक सी और ये वाला जो रेंज है यही कहलाता है आपका मेडिटेरियन सी इधर आपको मिल जाएगा एटलांटिक ओशियन ठीक है और इधर यहीं पर एक निकला है जिसको बोला गया है स्वेच कैनाल फिर यहीं पर कौन सा है आपका रेड सी ठीक है ये जो सारा मैपिंग है आपको मोहजुबानी याद रहना चाहिए आपको मतलब बिल्कुल पता रहना चाहिए किसका लोकेशन कहां पर है जैसे मैं यहां पर बना पा रहा हूं मेरे दिमाग में आ जा रहा है ना बिल्कुल वैसा आपको पता रहना चाहिए ना यहां पर है ब्लैक सी इधर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर यहां पर है आपका स्वैच कनाल यहां पर है आपका रेड सी अफ्रीका है ना और इधर मेरा देश है यहां पर क्या आ जाएगा आपके बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान और इधर हमारा देश क्या है इंडिया यानी भारत तो ये वाला जो रेंज है ये मेडिटेरियन सी वाला जो रेंज है भूमध्य सागर वाला रेंज है इसके आसपास जो जलवायु पाई जाती है जो क्लाइमेट कंडीशन पाया जाता है और उसके आधार पर जो वन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भूमध्य सागरी यानी मेडिटेरियन फॉरेस्ट और यही ऐसा कुछ दिखता है भाई मेडिटेरियन फॉरेस्ट इसकी जो क्या विशेषता है वो देख लेते हैं है ना यहां पर इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो ग्रीष्मकाल ग्रीष्मकाल यानी मैं बात करूं समर सीजन में क्या रहता है ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है और शुष्क यानी ड्राई हो जाता है जबकि अगर मैं विंटर की बात करूं है ना तो विंटर में ये क्या हो जाती ठंडी और वेट हो जाती है यानी नम हो जाती है और यहां पर जो बारिश होती है वो कब होती है वो ठंडी में होती है याद रखना अदरवाइज दूसरे कंट्रीज की बात करें जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो बारिश कब होती है गर्मी में होती है ये अलग से कोई तीन सीजन नहीं होता ये हम पढ़ देते हैं बट बेसिकली दो ही सीजन होते हैं एक होता है विंटर और एक होता है समर समर सीजन में ही बारिश होती है क्योंकि जून का जो महीना वो गर्मी का महीना होता है और गर्मी में ही क्या होती है बारिश होती है ठीक है तो ये था आपका किसके बारे में मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में ठीक है चलिए ये आपका छोटा सा एक मैपिंग है है ना ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा यहां पर बताने में पॉसिबल नहीं है ये आप अगर दिख रहा होगा आपको देख सकते हो ये जो ग्रीन ग्रीन बड़ा सा दिख रहा है यही क्या कहलाएगा आपका यही कहलाएगा उष्णगढ़ी है ना उष्णगटीबंधी वर्षा वन यानी बोल सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ठीक है इधर आप देख सकते हो ये किस में आ जाएगा यहां पर जो रेंज बताया था मैंने ये आपका मेडिटेरियन सी वाला रेंज है ना तो यहां पर भूमध्य सागरी जलवायु वाले वन पाए जाएंगे ठीक है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा डोंट वरी अबाउट दैट ठीक अब आते हैं लास्ट में हम लोग, ना, लोग है ना कॉनिफेरस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शंकुधारी वन अब नाम से स्पष्ट है कॉनिफेरस यानी जो आप आइसक्रीम खाते हो क्लियर आइसक्रीम खाते हो तो कैसे रहता है तो उसका कौन ऐसा कुछ रहता है है ना

तब यहां पे इस टाइप के क्या मिलेंगे है ना क्या बोलते हैं पेड़ पौधे मिलेंगे जिसमें स्पेशली किसको किसको गिना जाता है कॉनिफर है स्प्रूस है पाइन है ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते हैं इस टाइप के वन के अंतर्गत ऐसा कुछ दिखता है आपने देखा होगा हिमालयन रेंज में भी जब हम जाएंगे है ना तो वहां पर भी इस प्रकार के वन यानी इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं चलिए ठीक है ये टॉपिक एस एस जेई के लिए है क्या देखो एस एस जेई में कुछ एक ऐसी चीजें जो आती हैं है हाँ ना कुछ एक ऐसी चीजें जो नहीं आती हैं ठीक तो जतिन जी इसको आप पढ़िए लगातार जहां पर आएगा नहीं आएगा वो हम बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए सिद्धार्थ सर भी आ चुके हैं वेरी गुड आफ्टरनून सर ओके okay. अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रासलैंड क्योंकि देखो कई बार ऐसा पूछ सकता है है ना ग्रासलैंड के बारे में पूछा गया है ठीक है आपका कोरल के बारे में पूछा गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी गई है अब अचानक से उसको बीच से तो नहीं बता सकते इसलिए पूरा का पूरा चीज बताना जरूरी होता है है ना कई बार आपको पूछ सकता है कि भाई डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट कौन सा करके क्योंकि हमको इंडियन जियोग्राफी और आपको क्या बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों चीजें पढ़नी है तो ये जो मैं पार्ट करा रहा हूं इसमें आधा से ज्यादा आपको वर्ल्ड जियोग्राफी मिलने वाला है क्लियर तो कुछ एक ऐसी चीजें है जिस वहां पे हम स्किप करेंगे कुछ एक ऐसी चीजें जिसको हम लोग नहीं करेंगे तो इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ाया जा रहा है ठीक है लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं दोस्त कोई इश्यू नहीं है चले बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो है ग्रासलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया है ना कुछ ऐसे एरिया हैं या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या मिलता है ग्रास ही ग्रास मिलता है नहीं केवल घास मिलता है क्लियर हो रहा है केवल घास मिलता है वन आपको नहीं मिलेंगे जंगल आपको नहीं मिलेंगे और उसी के अनुसार से वहां का क्या पाया जाता है अनुकूलन पाया जाता है वैसा वहां पर इन्वायरमेंट पाया जाता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं और ये घास बहुत ऊंची ऊंची और लंबे लंबे रहते हैं है ना छोटे मोटे कोई घास नहीं रहते बहुत ऊंची ऊंची और लंबे घास रहते हैं ठीक अब विश्व में बहुत सारे घास के मैदान है वो कौन कौन से मैदान है उसके बारे में हम देख लेते हैं है ना वो पूछा जाता है क्लियर जैसे कि आपने बात किया कि ये उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है तो यस yes, इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आप देख सकते हैं क्लियर तो अगर मैं बात करूं ये नॉर्थ अमेरिका की तो यहां पर जो घास के मैदान मिलते हैं इनको बोला जाता है प्रेयरिस क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रेयरिस गॉट इट सेकंड में बात करूं दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की तो यहां पर जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पंपास क्या बोलते हैं उसको हम लोग पंपास ठीक है अगर हम बात करें अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका की तो यहां पर जो पाया जाता है इसको बोला जाता है सवाना याद रखना सवाना ग्रासलैंड यानी सवाना भूमि ठीक है और यदि हम बात करें है ना इधर नीचे की ठीक यानी दक्षिण अमेरिका की हम बात करें सॉरी दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो वहां पर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वेड यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो इसको बोला जाता है डाउन्स। क्लियर और यदि हम बात करें यहां पर यहां पर बोले तो यूरेशिया यूरोप और एशिया वाला रेंज तो इसको क्या बोला जाता है स्टेपीज क्या बोलते हैं स्टेपीज और इधर जो ऊपर थोड़ी दूर ऊपर जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा क्या बोलते हैं इसको टुंड्रा वो क्या होता है अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद सो so, ये सारा चीज है विपुल वेरी गुड आफ्टरनून लेट हो गए कोई कोई इश्यू नहीं है अक्षय भाषा लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है चले चलते हम लोग है ना तो ये ग्रास लेट था एक बार फिर से बता दूं भाई ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है शायद मुझे जतिन ने क्वेश्चन किया था सर इस टाइप से आते हैं क्या क्या रिलेवेंट रिलेवेंट है है बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं यू कैन चेक इट है ना यहां पर जो मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में उसको बोलते हैं प्रेयरीज साउथ अमेरिका में मिलेगा उसको बोलेंगे पंपास यहां पर जो अफ्रीका में मिलेगा उसको बोलेंगे सवाना नीचे जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इसको वेड है ना ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है इसको बोलते हैं डाउंस कभी कभी इस क्षेत्र में भी बोल दिया जाता है सवाना यहां पर जो मिलेगा यूरेशिया है ना एशिया और यूरोप वाला रेंज स्टेपीज और ऊपर जो मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग टुंड्रा क्लियर हो रहा है ये चीज यह है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान ठीक है चलिए तो आई थिंक ये सारा चीज मैंने बता दिया अब बढ़ते हम लोग डेजर्ट की ओर यानी रेगिस्तान की ओर क्लियर अब बढ़ते हैं हम लोग रेगिस्तान की ओर जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी का मेरे चैप्टर अटेंड किया है उनको ये चीज पता होगा क्या चीज पूछ रहे अक्षय तंत्र क्या है किस तंत्र की बात कर रहे हैं आप बताइए मुझे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं है ना पूरा लिखिएगा मेरे दोस्त या फिर अगर मैं बात करू नी परितंत्र तो वो अलग है सिस्टम को जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तंत्र या फिर सिस्टम ठीक है रेगिस्तान यानी डिजर्ट की अगर हम बात करें क्लियर तो ये मैंने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में आपको पढ़ाया था बट यहां पर वर्ल्ड के रिफरेंस में देख रहे हैं तो जो जो डिजर्ट वाला जो रेंज रहता है कुछ जगह कोल्ड रहता है और कुछ जगह ये हॉट रहता है इट मीनस रेगिस्तान यानी डिजर्ट हमेशा गर्म नहीं रहता कहीं पर ये गर्म भी रह सकता है कहीं पर ये ठंडा भी रह सकता है कहीं पर केवल आपको स्टोन मिल सकते हैं यानी पत्थरीला हो सकता है और कहीं पर आपको सैंड ट्यून भी मिल सकते हैं सैंड सैंड्यून किसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों सैंड सेंड्यून यानी बालू का एक बहुत बड़ा क्या रहता है उबार टाइप से रहता है यानी बालू यानी रेत का बहुत बड़ा एक क्या रहेगा एक बहुत बड़ा मैदान रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून कि आप देख सकते हो कहां पे मिलता है ये आपको थार के मरुस्थल में है ना थार के रेगिस्तान में क्लियर अब ये पूछ दिया भाई शीत मरुस्थल क्या होता है वॉट इज द कोल्ड डिजर्ट ये भी आया हुआ है आपके एसएससी के क्वेश्चंस में है ना कि कोल्ड डिजर्ट क्या होता है तो दोस्तों कोल्ड कोल्ड किसको बोलते हैं? बोलते हैं हैं हम लोग है ना ऐसा क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है कभी कभी जीरो डिग्री से भी नीचे चला जाता है और बिल्कुल बंजर भूमि रहती है यदि मैं भारत में बात करूं तो लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोल्ड डिजर्ट पाया जाता है क्योंकि वहां पर वनस्पति नहीं है सीधी सी बात जहां पर आपको फोना एंड फ्लोरा नहीं मिलेगा जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे वो सीधा सीधा बन जाता है आपका डिजर्ट जहां पर बारिश नहीं होती क्लियर अब एक क्वेश्चन है ज्यादातर जो रेगिस्तान है महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं यानी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में क्यों पाया जाता है इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में यहां पर आपको नहीं बताना है संदीप महिलांग भी आ चुके हैं हमारे साथ वेरी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सॉरी ठीक है अच्छा टुंड्रा क्या चीज है हाँ अक्षय अभी बताने वाले बस थोड़ी देर बाद बताऊंगा टुंड्रा क्या चीज है गोट राइट बनी रही हमारे साथ आपको बताना है कि जो मैक्सिमम डिजर्ट है वो है हाँ ना कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में यानी महाद्वीप के जो पश्चिमी क्षेत्र में वहां पर क्यों पाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे गॉट इट चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर है हाँ है ना ये वही आपका सैंड जिसकी मैंने बात कर रहा था है हाँ ना ये लद्दाख वाला रेंज है जहां पर हम घूमने गए थे ये उस समय का तस्वीर है क्लियर ओके okay, तो ये आप येलो कलर का देख सकते हैं मार्किंग यहां पर ये येलो कलर की जो मार्किंग दे रखी है है हाँ ना यही आपके क्या है डिजर्ट वाले रेंज है मेरे दोस्तों याद रखना ठीक है यही क्या है डिजर्ट वाले रेंज है ये देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है आपका डिजर्ट है ठीक है इधर आप देख सकते हो इधर ये आपको मिल रहा है आपको साउथ अफ्रीका वाले में ये सहारा का मरुस्थल हो गया है ना इधर आएंगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा ये आपको चिली के पास एक मिल सकता है थोड़ा सा इधर आपको अमेरिका में यहां पर भी मिलेगा ये सब कैसे रेंज है अच्छा यहां पर हम बात करें इधर भी है सी याद रखना यहां पर एक जो सागर दिख रहा है जिसका नाम है कैस्पियन सी आज के ही चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसका सिग्निफिकेंस कि सी क्या था और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर गुड आफ्टरनून सर आपने टाइम चेंज कर दिया नहीं आज बस के लिए कुछ विशेष कारणों के कारण कुछ तकनीकी कारणों के कारण आज का जो समय है वो चेंज किया गया है अदरवाइज ये जो समय है ऐसा ही रहने वाला है सिक्स थर्टी वरी अबाउट दैट ठीक है जो भी रहेगा उसको हम लोग बता देंगे नो इश्यू क्लियर तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हाँ ना ये था आपका रेगिस्तान के बारे में ठीक है अब आँग आँग लोग आते हैं टुंड्रा के बारे में जैसा कि अक्षय बसल पूछ रहे थे कि वॉट इज द टुंड्रा ठीक है तो दोस्तों टुंड्रा क्या होता है एक बार देख लीजिए एक नजर डाल लीजिए टुंड्रा जो होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था ऐसा क्षेत्र जहां पर जहां पर लगातार बर्फ रहता है बर्फ जमा रहता है और वहां पर विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जैसे कि कि आपने आपने देखा देखा होगा होगा लाइकेन हो गया या फिर आपने देखा होगा सिल एक मछली रहता है 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 जो कि ऐसे है, ना उसके मूंछ रहते हैं छोटे छोटे है ना या फिर बोल सकते हैं पोलार बियर जो रहता है आपका ध्रुवी भालू रहता है ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं उसी को बोला जाता है टुंड्रा क्लियर और इसमें भी अगर मैं जैसे देशों की बात करूं तो ये अलास्का हो गया वर्ल्ड मैप में बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको मैप रखना जरूरी है बहुत जरूरी है मैप रहेगा आपके पास तब वो चीजें क्लियर होगी अदरवाइज वो ऊपर से निकलेगा ये मैंने फर्स्ट लेक्चर से आपको बोला है नहीं है तो कुछ मत करिए प्रिंट आउट ले आइए वर्ल्ड मैप ले आइए एक आप इंडिया का मैप ले आइए है ना कुछ मत करिए या फिर खुद से ड्रॉ कर लीजिए मेरे ख्याल से यार देखो आप लोग इतने पैसे उड़ा देते हो बाकी चीजों में सौ डेढ़ का मुश्किल से आता होगा एटलस आप वो एक बार खरीद लीजिए परमानेंट आपका काम आने वाला है चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना कर रहे हैं एग्जाम परपज से भी अगर नहीं बोलेंगे है ना तो नॉलेज पर्पज से वो काम ही आएगा कुछ नुकसान नहीं

पर कमेंट आ रहा है है यस मैप मैप मिल जाएगा सर हाँ, ठीक है यार लेके चलिए बिना मैप के मजा नहीं आता ना बार बार हम यहाँ पर मैप नहीं दिखा सकते ठीक है तो ये चीजें आपको पता रहने चाहिए अलास्का मैंने बता दिया है ना कनाडा क्या है जस्ट अलास्का के नीचे है रशिया हो गया ग्रीनलैंड अब जैसे मैंने ग्रीनलैंड की बात की क्लियर तो ये कहां पे मिलेगा भाई मेरे को ग्रीनलैंड वाला जो रेंज है ये वाला इसको बोल सकते हैं जो कि डेनमार्क है क्लियर तो ये सारी चीजें आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कौन कौन सा लोकेशन कहाँ कहां पर है ये बिल्कुल रटा जाना चाहिए आपके माइंड में हो जाना चाहिए और देखो ये एक या दो दिन में नहीं होगा धीरे 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 मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए पांच से छह महीने में आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे क्लियर है दोस्तों तो इन क्षेत्रों में जो पाया जाता है इनको हम बोलते हैं टुंड्रा और, है है, है, है? है, और एक होता है आपका अल्पाइन टुंड्रा कौन सा एक होता है आर्कटिक और एक होता है आपका अल्पाइन अब दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझिए आर्कटिक उसको बोलेंगे जैसे वर्ल्ड मैप जब हम देखते हैं ना वर्ल्ड मैप जब हम देखते हैं तो ये ऊपर वाले जो रेंज है ऊपर मतलब ये देख सकते हो तो यहां पे दिख रहा होगा आपको आर्कटिक है ना आर्कटिक ओशियंस ठीक है इधर ये नीचे वाला जो रहता है अंटार्कटिक इन लोगों को बोला जाता है आर्कटिक टुंड्रा क्लियर आर्कटिक टुंड्रा मतलब जो बिल्कुल पोल में है उसके बाद भारत के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ऊंची ऊंची क्या पाई जाती है पर्वत चोटियां पाई जाती है क्लियर तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है अल्पाइन टुंड्रा क्या बोलते हैं इनको हम लोग अल्पाइन टुंड्रा तो याद रखें दो टाइप के टुंड्रा होते हैं टुंड्रा इज बेसिकली क्या है बंजर भूमि है जहां पर कोई चीजों की पैदावार नहीं होती कभी कभी जब बर्फ पिघलता है तो छोटे छोटे घास के मैदान उगाते हैं जरली या तो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पर यानी बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर रहेंगे लाइक इंडिया में बात करूं कश्मीर वगैरह हो गया लद्दाख वगैरह हो गया या फिर अगर मैं बात करूं पोल वाले क्षेत्रों में पोल यानी जो आपका है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला रेंज है वहां पर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गॉट इट चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं ये देखो ये देख सकते हो आप तस्वीर में इसको बोला जाता है टूंडरा ठीक है दोस्तों चलिए नाउ बढ़ते हम लोग अगला जो है है ना एक्वेटिक सिस्टम जो रहता है इकोसिस्टम इसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे तो जो सबसे पहला है वो रहने वाला है है ना फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी अभी तक हमने जो देखा वो था कौन सा तंत्र वो था आपका टेरेस्ट्रियल यानी भूमि वाला अब हम पढ़ने वाले हैं जली वाला यानी जल वाला जो एक्वेटिक सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि ये सारा चीज अभी तक जो पढ़े हो सकते हैं आपको बाकी न्यूज या फिर कहीं जीके वाले है ना क्या बोलते हैं ग्रुप से हैं या और दूसरी चीजों में पढ़ने को मिल जाता होगा लेकिन आज ये सब जो चीज पढ़ने वाले हैं ये बहुत कम जगह देखने को मिलेगा इसलिए इतमान से बहुत आराम से है ना बहुत बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पढ़ते रहिए ज्यादा बड़ा नहीं है हम लोग आधा लगभग कवर कर चुके हैं आधा अभी हमारा और बचा हुआ है ठीक है तो अक्षय बसल समझ आए यस वेरी गुड चलिए तो देखेंगे हम लोग एक्वेटिक यानी जो जलीय तंत्र है इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले फ्रेश वाटर याद करो वो स्लाइड जब मैंने आपको बताया था है ना इकोसिस्टम को दो पार्ट में हमने तोड़ा नेचुरल एंड मैन मेड यानी आपका आर्टिफिशियल फिर हमने नेचुरल को फिर दो पार्ट में तोड़ा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक यानी भूमि वाला और जल वाला फिर हम जल वाले को यानी एक्वेटिक को फिर से तोड़ रहे हैं किसमें फ्रेश वाटर में क्लियर अब फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है मेरे दोस्तों तो फ्रेश वाटर में मैंने बता दिया जो भी लैंड वाला पार्ट रहेगा जैसे ये हमारा देश भारत है तो लैंड वाले पार्ट के अंतर्गत जितने भी वाटर बॉडीज रहेंगे है ना, जितने भी जले भाग रहेंगे उसको किसके अंतर्गत लेते हैं दोस्तों हम लोग फ्रेश वाटर के अंतर्गत इसमें क्या क्या जाएगा देखो जैसे नदियां हैं झील है है ना आपके तालाब हैं डैम है बांध है ये सारा चीज किसके अंतर्गत आएगा फ्रेश वाटर के अंतर्गत और यह भी माना जाता है कि लगभग 0.8 परसेंट जो रहता है वो टोटल एर, मतलब टोटल वाटर बॉडीज का कवर करता है ऐसा क्यों होता है आप खुद ही समझिए धरती और जल की यदि मैं बात करूं है ना तो भाई मेरे इतना पोर्शन तो केवल आपका लैंड पार्ट है और यह पार्ट किसका है पूरा आपका ओशियन का यानी समुद्रों और महासागर का तो धरती में भी तो इतने कम पार्ट आपके वाटर के रहेंगे इसीलिए फ्रेश वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत कम है याद रखना इस चीज़ को ठीक है क्योंकि हम समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकते एक बार आप नदी का पानी पी सकते हो एक बार आप झील का पानी पी सकते हो एक बार आप कुओं का या फिर तालाबों का पानी पी सकते हो लेकिन समुद्र का पानी नहीं पी सकते पीने तो दूर की बात लोग नहाते भी हैं तो भी उनको बाद में फ्रेश वाटर से भी नहाना पड़ता है सो ये बहुत खतरनाक होता है ये चीज़ आप नहीं कर सकते क्लियर है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग है ना इसमें फ्रेश वाटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोटिक दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों एक बार बाकी लोग बता देंगे मुझे वीडियो क्या हाफ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या एनी यस और नो बताओ तो उसके हिसाब से हम लोग सोल्यूशन करेंगे उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं वीडियो क्या हाफ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है नहीं चलिए ठीक है नहीं बोल रहे हैं अक्षय देखिए है, आपके पास कुछ अलग सेटिंग होगा हो सकता है कुछ दिक्कत होगा है ना चलिए तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं लोटिक भाई मेरे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है एक बार और कोई मेरे को पूछ रहा था ना जीवेश जयसवाल नो ओके कोई बंदा भी जो आया था थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि क्या बोलते हैं ये सर रिलीवेंट है कि नहीं यस एग्जैक्टली रिलीवेंट है ये क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज द लोटिक सिस्टम वो पूछा था कि बहते पानी वाले तंत्र को यानी सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है तो जो फ्लोइंग वाटर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोटिक याद रखना हिंदी में भी अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है ये लोटिक अब लोटिक में क्या क्या आ जाएगा यार देखो जैसे कि आपके नदी है नाले हैं एंड और ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी लोटिक में और इसमें जो रहने वाले जो जीव हैं वो उसके तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे यानी फ्रेश वाटर में हम देख सकते हैं तो बेसिकली दो पार्ट हो जाता है एक होता है आपका लोटिक लोटिक बोले तो जो फ्लोइंग वाटर है बहता हुआ तंत्र है और दूसरा अगर हम बात करें तो यह कहलाता है आपका लेंटिक तो लेंटिक में कौन सा आ जाएगा ऐसे वाटर बॉडी या फिर ऐसे पानी वाला क्षेत्र जो कि स्थिर है स्थिर में क्या है आपका तालाब हो गया झील हो गए कुएं हो गए है ना आपका डैम हो गया ठीक है वैसे डैम भी कभी उसको लोटिक और उसमें दोनों में ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली डैम किस पर बनता है नदी पर बनता है इसलिए उसको बीच वाला रखते हैं बट बेसिकली जो कंटिन्यू एक स्थिर है ना एक ही जगह पर क्या है स्थिर है उसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं हम लोग लेंटिक के अंतर्गत लेते हैं ठीक है चलिए ये हो गया आपका लोटिक और लेंटिक ये आपका बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं जिस किसी भी पॉइंट पर यदि मेरी आवाज नहीं आएगी क्योंकि माइक का बैटरी थोड़ा सा लो है यहां पर सिस्टम थोड़ा सा चार्ज नहीं हुआ था यदि मेरी आवाज नहीं आएगी तो तुरंत आप इन्फॉर्म करिएगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अक्षय बसल जी इसका सॉल्यूशन मैं कैसे बताऊं आप एक काम करिए बाहर जाइए एग्जिट हो जाइए उसके बाद फिर से लिंक को ज्वाइन करिए ठीक है एक बार बाहर चले जाइए उसके बाद फिर से लिंक को ज्वाइन करिए हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक तो ये लोटिक मतलब आपका देख सकते हो ये एक नदी का एग्जाम्पल है ये लेंटिक मतलब ये कि तालाब या फिर झील का एग्जाम्पल है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वेटलैंड की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि दो नाम है इसका नम भूमि बोलेंगे या फिर आर्द्र भूमि हम बोलते हैं अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना किसको हम लोग आर्द्र भूमि मिलेंगे या फिर नम भूमि लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार ऐसा क्षेत्र जो कि मडी होता है मडी मतलब क्या बोल सकते हैं जिसको कीचड़ या फिर दलदल शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं पंक और यहीं से बनता है पंकज याद रखना है ना या हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट जहां पर हिंदी विशिष्ट या फिर हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा पंकज किसको बोला जाता है कमल को बोला जाता है पंक मतलब होता है कीचड़ और कीचड़ में पलने वाला यानी पंकज ठीक है तो ऐसी भूमि जहां पर कीचड़ है दलदली है एंड ऑल है ना उनको हम लोग जनरली काउंट करते हैं आर्द्र यानी नम भूमियों में ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बट ऐसी बहुत सारी भूमियां हैं ऐसी बहुत सारी भूमिया जो ऑलरेडी जहां पर पानी है उसको भी जैसे बहुत सारे जो लेक वाले जो जगह है हमारे बहुत सारे झील वाली जो जगह है डैम वाली भी जो जगह है उनको भी हम किस में काउंट कर लिए हैं नम भूमियों में आर्द्र भूमियों में क्योंकि एक कन्वेंशन एक समझौता हुआ था रामसर अभी थोड़ी देर बताने वाला हूं मैं उसके तहत भारत की लगभग 42 2020 के आंकड़ों के अनुसार 42 भूमियों को इसके तहत संरक्षित किया गया इसके पहले कुछ वर्ष पहले ये 26 हुआ करता था हुआ करता था जो कि बढ़कर 42 हो चुका है तो ऐसे सभी क्षेत्र जो कहीं ना कहीं नम है दलदली है वेट है ठीक है उनको किस में रखा गया है है ना उनको रखा जाता है नम भूमियों में या फिर वेटलैंड के अंतर्गत ठीक है चलिए और स्पेशली यहां पर क्या क्या पाया जाता है जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन हेरॉन हो गया मछलियां हो गई है ना पाइक हो गई तो ये सारी चीज वहां पर पाए जाते हैं ठीक है थीके? अब हम ये जिसकी बात कर रहे थे रामसर कन्वेंशन की जो हम बात कर रहे थे जो हमारा हेडिंग में भी था आज के थंबनेल में भी था बहुत इंपॉर्टेंट है आराम से समझिएगा इसको रामसर कन्वेंशन जो हुआ था रामसन कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था ईरान शहर में है ना ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर ये शहर का नाम है याद रखना ठीक है और कहां पर स्थित है ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर सी मैंने मैप में दिखाया था याद करियो जैसे ही मैं कैस्पियन सी बोलता हूं आपके मैप में पूरा वो आ जाना चाहिए मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था आपको चलता फिरता गूगल मैप बनना है करके है ना तो ये ऐसा यहां पर है कैस्पियन सी जो कि चारों ओर किससे घिरा हुआ है वो भूमि से घिरा हुआ है तो बेसिकली उसके संरक्षण की लाया गया था लगभग है ना जो ईयर था वो था 1971 और जो तारीख थी थी वो ऑफ़ फेब दो फरवरी याद रखना मेरे दोस्तों कब दो फरवरी यानी सेकंड ऑफ फेब 1971 को एक मसौदा तैयार किया गया जिसके तहत बोला गया कि केवल ईरान के इस कैस्पियन सी को ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी नम भूमिया है जितने भी आपके वेटलैंड है क्योंकि धीरे 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 क्या हो रही थी भूमिया सूख रही थी जैसे कि आपने सुना होगा अरल सी करके आपने सुना होगा अरल सागर आपने सुना होगा कहीं तो एक नाम दे दिया गया डेड सी करके होता है ना मृत सागर ऐसा बहुत सारी जो जगहें हैं जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है सूख रही है आपके राजस्थान में भी जैसे सरिस्का हो गया आपके बहुत सारे अभी वो सब की सब धीरे धीरे सूख रहे हैं तो उनके संरक्षण के लिए विश्व में जितने भी नम भूमिया हैं उनके संरक्षण के लिए इस कन्वेंशन को पास किया गया है ना और भारत भी क्या बना इसका बाद में सदस्य देश बना क्लियर और है ना भारत के टोटल 42 जो देश सॉरी 42 जो प्लेसेस हैं उसको क्या किया गया है उसके तहत संरक्षित किया गया है एक और चीज याद रखना दोस्तों इसी में एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ठीक है इसी में क्या आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये क्या होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके तहत जिसके तहत नम भूमिया जो कि डेंजरस स्टेट में आ चुकी हैं फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बयालीस क्या किया बयालीस क्षेत्रों को है ना क्या कर दिया चिन्हित कर दिया सूचित कर दिया तो उनमें से भी कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजर स्टेट में आ जाते हैं या आने वाले रहते हैं क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते रहते है लगातार डाउन टू अर्थ एक पत्रिका होती है बताया था मैंने आपको याद करो है ना यदि जो मेरा करंट अफेयर सेशन लगातार देखते हैं तो उनको पता होगा डाउन टू अर्थ ये जो पत्रिका है ये जो मैगजीन है ये पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजों का प्रकाशन करती डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ गया था डोन्ट टू अर्थ जो पत्रिका है वो किससे संबंधित है तो किससे है? पर्यावरण से संबंधित है मेरा करंट अफेयर का जो सेशन होता तो है इसमें दो से तीन खबरें यहां से भी रहती है तो मैं बता रहा था कि कुछ एक ऐसी चीजें रहती हैं कुछ एक ऐसे कारण रहते जिनके कारण उन क्षेत्रों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है और वो उस रिकॉर्ड का मतलब है भाई आप रेड लिस्ट हो चुके हैं अब आपके जो दल दल वाले क्षेत्र हैं या नम वाले क्षेत्र हैं यानी वेटलैंड एरिया है वो अब थोड़े से डेंजर स्टेट में आ गए हैं अब आपको ध्यान देना होगा तो अगर मैं भारत की बात करूं यदि मैं भारत की बात करूं तो टोटल तीन ऐसे प्लेसेस हैं जिनको इसके तहत लाया गया था था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो अभी भी हैं और एक ने इससे निजात पा लिया है अभी भी जो है वो दो चीज याद रखना मेरे दोस्तों एक है आपका लोकटक है ना ये मुझे कमेंट करके कमेंट करके जरा बताइएगा बॉक्स भी थोड़ा सा रहना चाहिए लगातार बनते रहना चाहिए लोकटक जो झील है वो किस स्टेट में है किस राज्य में है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि वो जिस राज्य में वहां पर एक नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का क्या नाम है और साथ ही साथ मुझे यह बताइएगा उस राज्य में स्पेशल एक डियर प्रजाति पाई जाती है यानी हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है ठीक है तो उसका क्या नाम है ये तीन चीज मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट में लेट्स सी कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं चलिए है ना मैंने तीन चीज पूछा कि लोकटक जो झील है वो कहां पर है किस राज्य में है वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है उस झील के पास और उस नेशनल पार्क के आसपास एक विशेष जो जीव है हिरण की एक प्रजाति है किस नाम से उसको जाना जाता है तीन क्वेश्चन आप बता दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से चलिए तो आ गया क्या आंसर देख लेते हैं हम लोग भाई बहुत से मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आंसर कर रहे हैं चलिए मणिपुर विकास जंगल वेरी गुड है ना अलका दीक्षित मणिपुर शाश्वत ने कहा है केबुल्लाम जाओ वेरी गुड श्रेया सिंह भी बोल रही मणिपुर शाश्वत ने भी करेक्ट आंसर दिया संघाई हिरण यस yes, वेरी गुड अलका दीक्षित केबुल लाम जाओ अलका संघाई यस yes, सभी का बहुत सही आंसर आ रहा है बहुत सही वेरी गुड यानी आप सभी को पता है चलिए तो हम लोग देखते हैं बने रहिए है भाई थोड़ा सा संख्या दर यहाँ पे कम हो रहा है बढ़ा के रखिएगा उसको है ना तो यहां पर राज्य जो है वो है आपका मणिपुर याद रखना ये जो झील है कहां पर है मणिपुर में है उस नेशनल पार्क का नाम है केई बुल लाम जाओ क्या नाम है केई बुल लाम जाओ इसके बाद एक लेक्चर आएगा उसमें हम लोग करने वाले हैं पूरे भारत के 103 नेशनल पार्क डोंट वरी मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर ने पूरे 103 नेशनल पार्क कराए होंगे लेकिन मैं आपको पूरे स्टेट वाइज स्टेट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कराने वाला हूं ठीक है और यहां पर एक जो हिरण की एक प्रजाति है जिसको रैंडियर सॉरी रैंडियर बोला जाता है वो है आपका संघाई हिरण याद रखना क्या है संघाई क्लियर तो ये जो लोकटक झील है इसको रखा गया है दूसरा है मेरे दोस्तों केवला देव नेशनल पार्क जो कि है आपका राजस्थान में इसको रखा गया है और चिल्का को भी रखा गया था झील पर है जी उड़ीसा में इसको भी रखा गया था लेकिन कुछ कारणों से कुछ कारणों से यानी अच्छे कारणों से आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लगभग 2002 है जहां तक 98 एट परसेंट श्योरूम है दो, दो है दो, दो में है ना इसने उस रिकॉर्ड से क्या किया निजात पाया और कर दिया कि भाई दिखा दिया हम अच्छे, हैं, हम अच्छे रह सकते हैं और निजात पा लिया और इसी के आधार पर है ना मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यानी मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा और भारत को उसका अवार्ड मिला था तो ये कौन सा झील था जो हट चुका है चिल्का झील याद रखना चिलका लेक ठीक है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले तंत्र की ओर ठीक है दोस्तों ये वो रिकॉर्ड्स हैं सॉरी ये वो आपके नाम है जो कि रखे गए हैं किसमें किसमें रखे गए हैं इसको रखे गए हैं भाई है ना रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत यानी रामसर के तहत संरक्षित जो प्राप्त है ये यहां पर साइट्स के नाम है ये उनके लोकेशंस यानी स्टेट के नाम है ये कब इनको डिक्लेयर किया गया था वो लिस्ट है और ये है उसका एरिया यदि मैं बात करूं सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है तो चलिए देख सकते हैं यहां से जैसे आप आप देख रहे होंगे ये 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 है है आपका अष्टमोडी सेकंड नंबर पर मैं मैं पूरा नहीं बता रहा हूं ये लिस्ट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा है ना अगर विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में आप जुड़िए मेरे साथ वहां पर आपको ये सारा चीज सारी जानकारी दे दी जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है दोस्तों तो देखिए जो मेन मेन जो मैं पढ़ रहा हूं याद रखना है ना अष्टमुड़ी ये कहां पर है यह है आपका केरला में क्लियर अष्टमुड़ी जो है ना फिर हम लोग देख सकते हैं चिलका लेक, और पर है दिपोर बिल ये बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह मेरा इंट्यूशन बोलता है कि यहां से इस वर्ष किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि दीपोर बिल के पास ही मैंने करंट अफेयर में बताया था है ना वहां पर स्थानीय प्रजाति के कुछ लोग हैं जो कि योगा मेट बना रहे हैं ठीक है योगा मेट बना किससे रिलेटेड है, है, तो है वो याद रखना ठीक है फिर हम हरिके हरिके ये कहां पर है भाई ये पंजाब का एक लौता है याद रखना ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कांजली है कांजली कहां पर है ये भी आपको मिलेगा पंजाब में केवला मैंने बता दिया आपको कहां पर राजस्थान में है ना इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो लोकटक झील भी मैंने आपको बता दिया मणिपुर में उसके बाद है कोलेरू ये भी तो ये पूछा गया है पूछा जा सकता है क्या ये पूछा गया है कोलेरू कहां पर है कोलेरू कहां पर आंध्रा में है एक और चीज याद रखना बात करूं यदि मैं लोकेशन की यदि आपने मेरा का लेक्चर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कोलेरू का जो लोकेशन है कृष्णा और गोदावरी दोनों के बीच में पड़ेगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगल बगल बहती है बहुत दूर है लेकिन दोनों का सेंटर वाले हिस्से में मिलता है कौन आपको कोलेरू ओके फिर है लोनार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर है ये महाराष्ट्र में देन है आपका नल सरोवर जब भारत में ट्वेंटी सिक्स हुआ करते थे उस समय ये लेटेस्ट था यानी उसी समय ये जुड़ा हुआ था कौन सा भाई नल सरोवर जो कि कहां पर है आपका गुजरात में है ठीक है फिर है आपका नवाबगंज ये बर्ड सेंचुरी है लेकिन इसको भी शामिल किया गया ये कहां पर है आपका उत्तर प्रदेश में ठीक तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा यहां पर भी आपको दिया हुआ है है ना पोंग डैम ये कहां पर है आपका हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेणुका रेणुका क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेणुका झील पर भी एक परियोजना आई थी जो कि विवादित थी छह राज्यों से रिलेटेड थी याद रखना मेरे दोस्तों ठीक है उसके बाद ये आपका रुद्र सागर है, है ना समान बर्ड सेंचुरी है ये भी उसके अंतर्गत इसको रखा गया है क्लियर इसके बाद सस्थम कोटा ये भी कहां पर है आपका केरला में है सुर सरोवर यह आपका उत्तर प्रदेश में ये जो नीचे के जो दिख रहे हैं ना इनको अभी अभी ऐड किया गया याद रखना ठीक है ये जो नीचे के आपको दिख रहे हैं ना नीचे के सिक्स आपको दिख रहे होंगे थर्टी सेवन से लेकर फोर्टी तक ये आपको अभी अभी जैसे वुलर लेक ये कहां पर है आपका जम्मू कश्मीर में तो ये वो सारे लिस्ट थे जो कि हाल ही में क्या किया गया है ऐड किया गया है साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है ना हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग इशू के कारण ये आपको विजिबल नहीं होगा डोंट वरी अबाउट दैट ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा इसके लिए आप निश्चिंत रहिए ये उस मैप की हम बात कर रहे हैं है ना जहां पर ये सारा लोकेशन आपको दिया हुआ है ठीक है चलिए अब बढ़ते हम लोग मरेन इको सिस्टम की ओर बस पांच से दस मिनट का लेक्चर बच गया है इसके बाद हम लोग आज का सेशन खत्म करने वाले हैं अभी तक आप बने रहिए मेरे साथ ठीक है क्योंकि बहुत देर हो चुका है मैं देख रहा हूं इतमिन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए लास्ट ऑफ फाइव टू टेन मिनट्स है ना अब देखने वाले हम लोग मरीन एको लो ठीक है ये क्या होता है मेरे दोस्तों तो समुद्री जो इकोसिस्टम रहता है इसके अंतर्गत आता है है ना अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें वो सारा चीज बायोटिक और एबायोटिक यानी जीवित और निर्जीव सारी चीज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोस्टल इको है ना अब देखो मरीन में भी दो टाइप के रहते हैं जैसे कि ये मरीन एरिया है समुद्री एरिया है, है ना तो एक आपका कोस्टल वाला रेंज हो गया ये कोस्ट वाला रेंज हो गया और एक आपका बीच समुद्र वाला हो गया तो दो टाइप से पढ़ना है आपको एक कोस्टल और एक बीच समुद्र वाला ठीक तो जो कोस्टल है उसमें सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे कोस्टल यानी जो आपका तटी वाला क्षेत्र है यहां पर सबसे पहले प्रवेश करेंगे यहां पर हम मेन बहुत सारी चीजें देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऐश्यूरी ऐश्यूरी देखने वाले हैं है ना इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कोरल रीफ कोरल रीफ और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या मैंग्रोव तो ये सारा चीज देखेंगे किसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं ये एक कोस्टल सिस्टम यानी आपके तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत चलिए पहले जो आता है मैंग्रोव है ना अब ये मैंग्रोव क्या होता है नाम से स्पष्ट है ऐसे वन जो कि समुद्री क्षेत्रों में यानी जो कोस्टल वाला रेंज है तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है मैंग्रोव वन जियोग्राफी में पूरा डिटेल में अपन करने वाले हैं यहां से क्वेश्चंस बनता है क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सा मैंग्रोव है ना सुंदरबन है या फिर आपका गुजरात वाला क्षेत्र में है तमिलनाडु क्षेत्र में है कहाँ पर कौन सा मैंग्रोव पाया जाता है कौन सा मैंग्रोव सबसे बड़ा है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप देख सकते हैं इनकी जो जड़ें रहती हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर रहेंगे इनकी जड़ें बाहर रहती हैं बाहर यानी आप बोल सकते हो जमीन से ऊपर रहती हैं और अंदर तक धसी रहती हैं ठीक है इसके कारण यही रीजन रहता है कि तटीय क्षेत्रों को काटने से रोकती हैं क्योंकि मेरे दोस्तों नदियों का जो लहर रहता है वो उतना नहीं रहता और दूसरी बात अगर मैं एक बात करूं है ना ये मान लो कोस्ट रेंज है इधर ठीक है जैसे नदियों का अगर आकार इतना चौड़ा रहा है ज्यादा से ज्यादा या फिर यहां से आ रही नदियां लेकिन समुद्र जो नीचे से आ रहा है नीचे से जो प्रेशर मार रहा है ठीक है वो तो भाई बहुत ज्यादा रहेगा ना मतलब ये सब जगह को क्या करेगा टच कर रहे हैं जितना कोष्टरिया है है, पूरी जगह को टच करेगा और आपने खुद महसूस किया है आप जाके थोड़ा सा खड़े हुए समुद्र के पास या फिर बैठिए इतना जोर से झलार मारते इतना जोर से वो है ना स्पीड से आता है कि भाई रेत वेत भी उड़ा ले जाता है मिट्टी को भी उड़ा ले जाएगा सीधी सी बात है तो ये मैंग्रोव क्या करते हैं उनको बांध के रखते हैं यानी तटों को कोस्ट को काटने से बचाते हैं ठीक है और ये कैसे रहती है इनकी जो जड़े रहती है ये सलाइन यानी आपके नमकीन जो पानी रहता है उसको रोकने में भी मदद करता है ये याद रखना मेरे दोस्तों ठीक है चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले चैप्टर की यानी इसमें नेक्स्ट जो है वो है अशुरी चलिए यहां पर बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन था सर अशुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों डेल्टा जो रहता है सपोज ये पहले कोई लैंड पार्ट था है ना अब यहां से एक नदी आती है इधर से एक नदी आती है और ये बहुत सारे पार्ट में बट जाती है ये क्या करेगा कोस्ट को बढ़ाते चलती है कोस्टल एरिया को क्या करेगी ये बढ़ाते चलेगी इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग डेल्टा बोलते हैं है ना और कुछ नहीं है बस उसके बाद क्या होगा ये जो नदियां हैं है ना अपने रास्ते धीरे धीरे इधर से रास्ता बनाते बनाते चले जाएंगी मतलब जो डेल्टा रहता है वो कोस्ट को फैलाता चलता है कोस्ट को बड़ा करता है लेकिन ऐश्वरी जो रहती है ऐश्वरी क्या करती है उल्टा काम करती है ना चूंकि ऐश्वरी जो बनाती है जो नदियां है ना वो इधर से सपोज आ रही हैं तो ये कोष्ट क्या होता है मेरे दोस्तों अंदर की ओर चला जाता है मतलब ये ऐसा ऐसा बन जाता है ये काटता है इसको क्लियर हो रहा है कौन काटेगा का सीधी सी बात है समुद्री लहरें जो आ रही है वो काटते चली जाती है जैसे ये देख सकते हो आप ये समुद्र का लहर है है ना ये समुद्री लहरें अंदर घुस जा रही हैं इधर अंदर चले जा रही हैं और क्या बना रही हैं इस टाइप से कोष्ट को ये काटते चली जा रही हैं कोष्ट को ऐसे काटते चले जा रही हैं ठीक है तो ऐश्वरीज में क्या होता है पानी अंदर तक चला जाता है और डेल्टा में क्या होता है ये इधर आ जाता है यानी डेल्टा में फैलता है और ऐश्वरी में अंदर जाता है बस ये बेसिक सा डिफरेंस है जैसे नर्मदा तापी नदियां ये सारे की सारे यहां पर ऐश्वरीज बनती हैं डेल्टा नहीं बनती लेकिन गोदावरी है गंगा है सिंधु है इन लोग क्या बनाते हैं इन लोग डेल्टा बनाते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है वो याद रखिएगा चलिए अब आते हैं भाई वेरी इंपॉर्टेंट कोरल है ना ये भी जो था आपके सिलेबस uh, में सॉरी आपके जो थंबनेल uh, था वहां पर था और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है ठीक है तो कोरल रिफ क्या है हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कोरल रिफ क्या रहता है पहले आप इमेज में देखिए उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे है ना ये आप देख सकते हो अगर आप अंडमान वगैरह घूमने गए होंगे है ना अंडमान हो गया या फिर लक्ष्यद्वीप वगैरह होगा मालदीव वगैरह होगा अगर कभी आप घूमने गए होंगे तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं इसको बोला जाता है कोरल रिफ है ना ये जो दिख रहा है इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कोरल ये किसका बना होता है ये बना होता है लाइम यानी चूने का याद रखना ठीक है ये इस टाइप का भी स्ट्रक्चर दिखता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल रिफ क्लियर कोरल रिफ यानी प्रवाल भित्तियां ठीक चलिए तो ये क्या होता है इसके बारे में कुछ एक ऐसी चीजें जो याद रखना ठीक है ये किस पर रहती है एक बड़ी चट्टान रहती है जिसको मूंगे की चट्टान बोलते हैं क्या बोलते हैं मूंगे की चट्टाने वहां पर ये रहती हैं और स्पेशली इनके लिए जो आइडियल कंडीशन माना जाता है है ना 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना लगभग उतना उसे थोड़ा कम रहना चाहिए 24 के आसपास रहना चाहिए 27 तो थोड़ा ज्यादा हो गया समुद्री तापमान है है ना 24 टू तो 25 के आसपास रहना चाहिए और दूसरी चीज ये थोड़े उथले सागर में बनाते हैं उथले मतलब समझ रहे हो जो थोड़ा सा ऊपर है 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 एक एक होता है गहरा एक होता गहरा यानी डीप और आपका उथला ना तो उथले सागर में मिलते हैं दूसरा चीज पानी स्वच्छ रहना चाहिए कैसा रहना चाहिए पानी स्वच्छ क्लीन वाटर रहना चाहिए अगर गंदा पानी आएगा तो वहां से लोग भग जाते हैं क्योंकि इनको साफ चीज पसंद है इसीलिए लक्षद्वीप में याद रखना दोस्तों अभी जो विरोध हो रहा है ना कोमल मैम का भी वीडियो आया उसमें देखिएगा ठीक है उसमें बताया उन्होंने लक्षद्वीप अभी मस्त साफ सुथरा है वहां पर अगर डेवलपमेंट के काम अधिक हुए वहां पर अगर कई मतलब इस टाइप की चीजें अगर अधिक की गई तो वो क्या हो सकता है वहां पर पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा प्रदूषित होगा है ना और वो स्वच्छ नहीं रहेगा वहां का पानी तो जितने कोरल रिफ हैं वो सब क्या हो जाएंगे वहां से गायब हो जाएंगे उसके बाद जो कंडीशन है ना वो कुछ ऐसी हो जाएगी और इसी को बोला जाता है कोराल विरंजन या फिर कोराल ब्लीचिंग याद रखना और ये जो रहते हैं अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की अभी पढ़ने वाले हैं है ना तो बायोडायवर्सिटी में समुद्रों में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी में समुद्रों में सबसे अधिक कौन है यही कोरल रहता है और कोरल को ही क्या बोला जाता है समुद्रों का वर्षावन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना वर्षावन वन किनको बोला गया था भाई इक्वेटर वाले रेंज में जो पाए जाते थे है ना उनको बोलते हम लोग है ना उनको बोलते थे रेन फॉरेस्ट ठीक है तो समुद्रों के लिए जो वर्षावन किसको बोलते हैं हम लोग कोरल रिफ को बोलते हैं याद रखना ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में या वन बाई वन कहीं भी पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए तो ये कंडीशंस मैंने बता दिया आप सभी को ठीक और ये था भाई मेरा क्या कोरल ब्लीचिंग यानी अगर यहां से विरंजन हो जाए यानी हट जाए ठीक है तो इसको क्या बोल देते हैं अपन कोरल ब्लीचिंग ठीक अब आते हैं सबसे लास्ट में ठीक सबसे अंतिम जो है वो है आपका खुला समुद्र ओपन सी ठीक ओपन सी किसको बोलते हैं सीधी सी बात है कोस्टल एरिया के अलावा जो दूर समुद्री क्षेत्र है क्योंकि ऐसा नहीं कि सब के सब केवल कोस्टल एरिया में रहते हैं दूर समुद्री क्षेत्रों में भी कुछ लोग रहते हैं कुछ लोग इन द सेंस कुछ जीव जंतु रहते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल वगैरह हो गए बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो केवल बीच समुद्र में मिलेंगे सेंटर पर नहीं मिलते है ना तो इनको उसमें शामिल किया जाता है और यहां पर एक विशेष प्रकार की जो क्या बोलते हैं जंतु पाए जाते है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइटो ना प्लैंक याद रखना क्या बोलते हैं फाइटो प्लैंकन ये क्या करता है ये जो काई टाइप का रहता है ना छोटा छोटा जिसको बोलते हैं शैवाल ये ऐसा कुछ दिखता है 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 ना इसको बोला जाता है, फाइटो प्लैकटेन ये क्या काम करता है समुद्री परितंत्र में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है समुद्री या फिर ओपन सी जो सिस्टम है वहां पर मेन जो रोल क्रिएट करने वाला जो चीज है जंतु है कौन है वो है आपका फाइटो प्लैंकटेन ठीक तो ये था मेरे दोस्तों टोटल बायोम के बारे में डिफरेंट टाइप के बायोम हमने देखे डिफरेंट टाइप के बायोम हमने पढ़ा है ना और यहां से क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है चाहे मैं बात करूं वनों की चाहे मैं बात करूं ग्रासलैंड की चाहे मैं बात करूं रैंसर की चाहे मैं बात करूं कोरल रिफ की तो यहां से किसी न किसी टाइप से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये दो चैप्टर थे कल वाला और आज वाला टोटल इकोसिस्टम के बारे में अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाला है बायोडायवर्सिटी यानी आपका जैव विविधता जो कि ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है दोनों को मैंने इसीलिए जानबूझकर सेपरेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसमें हम देखेंगे भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी प्लेसेस हैं है ना किन किन को किस किस कैटेगरी में रखा गया है जैसे कि आयु की रेड लिस्ट कैटेगरी गई वो सारी चीज पढ़ेंगे नेशनल पार्क है ठीक है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बायोस्फेयर रिजर्व हैं वो सारा चीज हम वन बाय वन करने वाले हैं तो बने रहिए हमारे साथ और आज हो गया गुरुवार फ्राइडे को मैंने बताया था फ्राइडे मेरा लेक्चर नहीं रहता यानी कल मेरा लेक्चर नहीं रहेगा सैटरडे हम मिलेंगे शनिवार को हम मिलेंगे करंट सफारी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है मिस कर देते हैं इसको मिस नहीं करना दोस्तों है ना करंट अफेयर्स के साथ अगर लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर बने रहिए शनिवार को सैटरडे को 6:30 पीएम और इसका एक और सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं जिन्होंने मेरा करंट सफारी अटेंड नहीं किया है वो जाके देखिए एक बार देखिए उस सेशन को करंट अफेयर्स में हम किस तरीके से पढ़ाते हैं वन लाइनर नहीं रहता हमारा करंट अफेयर डिफरेंट रहता है किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ को जब हम लेते हैं तो उसके पूरे तह तक जाते हैं पूरे गहराई तक जाते हैं उसमें सारा चीज़ आपका जुड़ा रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ है तो वहां पे सारे सेक्शंस बताए जाएंगे आपको सारे है ना शेड्यूल्स बताया जाएगा अनुसूचियां बताए जाएंगी अनुच्छेद बताए जाएंगे हिस्ट्री के अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूरे पॉलिटिक उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी जिससे भी रिलेटेड रहता है सारा चीज़ आपको उसमें डिटेल में बताया जाता है अगर आप नहीं अटेंड किए तो एक बार जरूर अटेंड करिए आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ाते हैं ठीक है दोस्तों तो हम मिलेंगे अब सीधा शनिवार को सिक्स थर्टी पी के लिए तब तक बने रही हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए यदि आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं हम लोग शनिवार को थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे